आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शिव मंदिर लेकर जाने वाला हूँ जहाँ के पत्थर को थपथपाने से डमरू की आवाज आती है। और ये मैं नहीं बल्कि ये आर्टिकल और ढेर सारे वीडियो जो यूट्यूब पर मौजूद है उनका दावा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं मंदिर में जाकर पता लगाऊंगा। फिलहाल सोलन के मॉल रोड पर टहलते हुए मैं बस यहाँ हो रही छोटी छोटी चीजों को अपने कैमरे में कैद कर रहा था, जैसे कि पंडित जी की ये जलेबी की दुकान जो 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है। क्या मंजर रहा होगा ना यार, वीडियो से लोग लगे हुए हैं, कितना कुछ बदल चुका था इन 50 सालों में, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो है जलेबी का स्वाद। और बात ये भी है कि जैसे इनकी दुकानदारी पीढ़ियों से चली आ रही है, वैसे इस दुकान के ग्राहक भी हैं, वो भी कई पीढ़ियों से यहाँ खाते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बड़े शहरों के भागम भाग में ये वाली फील मिसिंग है। अभी अचानक मेरे फोन पर मम्मी का कॉल आता है कि बेटा रिश्ता आया तुम्हारे लिए। मैं अंकल जी को कैमरा पकड़ा कर थोड़े दूर जाकर मम्मी से बात करता हूँ। लड़की वाले पूछ रहे थे कि लड़का करता क्या है। इस बीच रोड की साइड पर ही मौजूद गुरुद्वारे जाकर मैंने शीश झुकाया और अब हम सोलन के मेन मार्केट में आ चुके थे। फिलहाल मैं रोड की एक साइड पर खड़े होकर रोड के दूसरी साइड पर मौजूद हैंडीक्राफ्ट और कपड़े के छोटे छोटे स्टॉल लगाने वाले कुछ लोगों को निहार रहा था। मन में इच्छा हुई कि थोड़ा और करीब जाके देखूं। पर फिर कैमरा देखते ही दीदी के जज्बात बाहर आने लगे। ये चीज क्या उतार रहे हैं? ये मोदी जी को जाएगा। अच्छा तो हमारा थोड़ा मैं बोलो, हमें बहुत परेशान हो रहे हैं। कहीं क्या परेशानी है बताइए? यहाँ लगाने देते नहीं है क्या? संडे के दिन बंद करने के लिए कह रहे, वही तो हमारी रोजी रोटी है यहाँ पे। अच्छा। और हफ्ते में एक बार तो हमारा काम हो रहा है, हफ्ते में एक बार हमारा सही से थोड़ा संडे के दिन काम हो रहा है, क्योंकि वो सब गांव के लोग आते हैं ना, छोटे छोटे गांव के लोग, यहाँ संडे के दिन मेले की तरह मार्केट लगती है ना, तो आते हैं यहाँ पे, पर लगाने के लिए मना करते हैं यहाँ के दुकानदार। आप कब से लगा रही हैं? हम यहाँ 3 साल से लग रहे हैं, लॉकडाउन से यहाँ चले आए, नहीं तो उससे पहले कहाँ पे थे? दिल्ली में थे हम। तो आपका घर कहाँ पे? सोलन में? सोलन में किराए पे रहते हैं, वैसे हम गुजरात के हैं। तो गुजरात में नहीं है लगाने कैसे? गुजरात में तो क्या, हम गुजरात का काम ही नहीं कर पाते, वहीं तो खेती बाड़ी होती है, वो हमारे से काम होता नहीं है। तो गुजरात से सब कुछ छोड़ के यहाँ कैसे आ गए आप? ये धीरे धीरे, पहले तो दिल्ली आए, दिल्ली से डायरेक्ट 15 साल दिल्ली में रहे, कनॉट प्लेस में, वहीं कनॉट प्लेस में मार्केट है ना, वहीं हम दुकान लगाते थे, वहीं भी कमेटी वाले NDMC वाले बहुत परेशान करने लगे। इसके बाद तो 2 साल मार्केट बन रही हो, पौनल की मार्केट है ना, आज देश की अंग्रेज की मार्केट है, तो बंद कर दी 2 साल तक, बाहर के आने जाने का बंद कर दिया ना लोगों का, जो हमारा कस्टमर आते थे अंग्रेज लोग, वहीं से तो बीमारी आती थी, तो 2 साल तक बंद कर दी। तो पर रोटी 2 साल कहाँ खाने जाए, फिर हमने ये थोड़ा इधर की साइड में जान पहचान हमारी थी, तो उनकी वजह से हम इस तरफ की साइड में आ गया, तो ये मार्केट हमें थोड़ा सही लगा। तो आप लोग मतलब कितने लोग हैं यहाँ पे टोटल, अब कितने लोगों की कम्युनिटी है? मेरी तो हम परिवार मेरा रहता है, 2 बेटा रहता है, 2 बेटी रहती है, उनका परिवार है सब, और हम मियाँ बीबी है, हम बच्चे के बच्चे भी पाल रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो गुजरात से दिल्ली और फिर सोलन आने के बाद आपको क्या मजा आ रहा है यहाँ पे? मतलब यहाँ सही लग रहा है, दिल्ली से तो अच्छा, यहाँ अच्छा ही लग रहा है, इसलिए तो हम यहीं पे रुक गए। बस लेकर हम जटोली शिव मंदिर की तरफ जाने लगे थे जो यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर दूर था। जटोली शिव मंदिर के निर्माण में 39 साल का समय लग गया और जिन कारीगरों ने इसे बनाया वो दक्षिण भारत से लाए गए थे। दक्षिण भारत में मौजूद मंदिरों की जो बनावट है, जो उसकी कलाकृति है, उसकी झलक आपको जटोली शिव मंदिर में देखने को मिल जाएगी। के दशक में यहाँ एक महात्मा जी आए जिनका नाम था स्वामी कृष्णानंद परमहंस और भगवान शिव के बहुत बड़े साधक भी थे। उस समय जटोली में पानी की बहुत किल्लत थी। जब लोगों ने ये बात बाबा जी को बताई तब उन्होंने त्रिशूल के एक प्रहार से पानी का स्रोत निकाला और इस जगह से पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। ऐसा मानते हैं कि प्राचीन काल में भगवान शिव भी यहाँ कुछ दिनों के लिए विराजमान थे।
मंदिर के प्रांगण में एक छोटी सी गुफा भी है। जो ये अंदर देखेंगे ना, पहाड़ के अंदर ऐसा था बना हुआ जगह, स्पेस थोड़ा, वहाँ बैठते थे महात्मा जी। तो वहाँ लोग, थोड़े लोग आते थे, फिर आते आते ज्यादा लोग आने शुरू हुए, कीर्तन होता था, हम भी आया करते थे बचपन में। तो आपने देखा महात्मा जी को, देखा आपने? हाँ। यहाँ बैठकर स्वामी कृष्णानंद जी ध्यान और सत्संग किया करते थे। अंदर कैमरा ले जाना मना था दोस्त, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा वो एकदम अद्भुत था। अभी हम मंदिर समिति द्वारा आयोजित लंगर में खाने बैठ गए थे। और यहाँ इस बच्चे की नजर मेरे कैमरे पर पड़ जाती है। फिर इसने इशारा किया कि आप मेरे कुछ फोटो खींच देना प्लीज। मैंने बोला चलो ठीक है। यहाँ मुझे एक बच्ची मिल गई है, क्लास 3rd में पढ़ती है, उसका नाम है त्रिशा, और इस बच्चे ने मुझसे बहुत ज्यादा फोटो खिंचवाए। एक फोटो के बदले कितने पैसे देगी बताओ? पता नहीं क्या होगा, भूली गई। मामा से पूछना। अच्छा, जो ये बात है कि यहाँ के पत्थरों को थपथपाने से डमरू की आवाज आती है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा खुद पुजारी जी ने बताया, लेकिन बताने से पहले उन्होंने कैमरे को बंद करने का आदेश दिया मुझे। खैर, अभी हम घर वापस आ चुके हैं और अपने साथ लाया हूँ मैं आंटी जी के लिए गोलगप्पे। लेकिन यार, जो बात यूपी बिहार के गोलगप्पे में है ना दोस्त, वो कहीं और नहीं मिला मुझे। बाकी सोलन है बहुत प्यारी जगह, दोबारा जरूर आना चाहूंगा। अगले वीडियो में अपनी एंट्री उत्तराखंड में हो जाएगी और जो वहां आप देखेंगे बस देखते रह जाएंगे। अच्छा हाँ, मम्मी को अभी भी ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है कि नौकरी छोड़कर लड़का यूट्यूबर बन चुका है, तो उन्होंने लड़के वालों से ये बोला कि लड़का लायक है बस।